Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujindal.in. तो दो questions repetitively मेरे पास बहुत बार आते हैं. The first one is, sir, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है. Sir, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है. And the second one is, sir, क्या इन points को मैं इस answer में लिख सकता हूं? मतलब क्या ये वाले पॉइंट्स मैं इस आंसर में मेंशन कर सकता हूं? तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आज के सेशन में आपको देने वाला हूं. राइट, सो लेट्स बिगिन. माय सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटोर फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं. तो प्रॉब्लम क्या है कि हम रिमेंबर नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज को, कंसेप्ट्स को. राइट, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन माइट बी हम सबको पता है बट हम इंप्लीमेंट नहीं करते, दैट इज रिवीजन. राइट, दैट इज रिवीजन. अब जो रिवीजन भी करनी है वो भी हमें स्मार्ट रिवीजन करनी है. स्मार्ट रिवीजन का मेरा मतलब टाइम बेस्ड रिवीजन. टाइम बेस्ड रिवीजन का मेरा मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा, तो आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए कि भाई विद इन वीक तो एक बार उसकी रिवीजन जरूर हो जाए. मतलब जो हमारी फर्स्ट रिवीजन हो वो एटलीस्ट विद इन वीक हो जाए. राइट, अब जो सेकंड रिवीजन है वो डिपेंड करेगा कि भाई वो टॉपिक कितना डिफिकल्ट है या इजी है. फॉर एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट है तो 14 डेज में कर ली, या फिर अगर ज्यादा इजी है तो आफ्टर मंथ कर ली. तो जब हम किसी भी टॉपिक के, किसी भी कंसेप्ट के, किसी भी चैप्टर की मल्टीपल रिविजन करेंगे, उससे होगा क्या, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने समझा है वो हमें याद होना शुरू हो जाएगा. तो जनरली ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स करते हैं, वो करते क्या है भाई, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कवर करने चले जाते हैं कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट भी हो गया, ये सब्जेक्ट भी हो गया, ये सब्जेक्ट भी हो गया, ये सब्जेक्ट भी हो गया. टॉपिक को, सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करते हैं. बट हमें सिलेबस को खत्म नहीं करना, सिलेबस को साथ साथ याद भी रखना है. तो याद रखें कि हमें सिलेबस खत्म नहीं करना, साथ साथ उसे रिमेंबर भी रखना है. तो उसके लिए हमें टाइम बेस्ड रिविजन जरूर करनी है. ठीक है, अब इसमें मैं अपनी दो टेक्निक जो पर्सनली बहुत फॉलो करता था वो क्या करता था कि लेट सपोज कोई डेट मेरे को याद नहीं होगी, तो मैं क्या करता था कि उस डेट को अपने हैंड्स में लिख लेता था, और जब भी मैं अपना हैंड देखता था और बाय चांस वो मेरे सामने आती थी तो मैं उसे माइंड में रिकॉल कर लेता था. जिससे होता क्या था कि एक दिन में 5 to 10 times मैंने उस टॉपिक को देख लिया तो वो मेरे माइंड में सेव हो जाती थी. ठीक, तो ये एक आप अप्लाई कर सकते हो. और दूसरी चीज जो मैंने बहुत बार अप्लाई की और मेरे लिए तो वो बहुत बार वर्क करी है, दैट इज फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट्स है, ये कोई कंसेप्ट है जो मेरे को याद नहीं हो रहा, तो मान लो मैं क्या करता था, उसे मॉर्निंग में एक बार माइंड में पढ़ लिया मैंने, मतलब एक बार कॉपी उठाई उसे पढ़ लिया और वो याद कर लिया कि मैं इन 5 points को बार बार रिवाइज करूंगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नहाने जा रहा हूं, ये ब्रश कर रहा हूं, तो मैंने माइंड में ब्रश करते करते या नहाते नहाते उन पॉइंट्स को रिकॉल कर लिया. फिर मैं स्कूटी ड्राइव करते हुए लेट्स सपोज ऑफिस तक आ रहा हूं या कहीं ट्रेवल कर रहा हूं, फिर माइंड में मैंने उसे एक बार फिर रिकॉल कर लिया 5 points. मतलब या फिर जब खाना खा रहा हूं तो मैंने 5 points रिकॉल कर लिए. तो मैं ट्राई करता था कि उन पॉइंट्स को बार बार माइंड में रिकॉल करूं, और ये टेक्निक ने मेरे साथ तो बहुत ज्यादा वर्क किया है कि वो मेरे को टॉपिक याद हो जाता. इवन इतना डीप में चले आ गया था मैं कि अगर जब हम सो रहे हैं तो सोने से पहले होता है ना कि कुछ टाइम हम लेटते हैं लेकिन हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है, हम प्रॉपरली स्लीप पे नहीं होते, तो उस टाइम भी मैं अपने आंसर्स रिवाइज कर रहा हूं, टॉपिक रिवाइज कर रहा हूं. राइट, तो ये भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो रिवीजन तो हमें करनी ही पड़ेगी. समझ आ गया? चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास सर कि क्या ये पॉइंट हमें इन आंसर्स में मेंशन करने चाहिए. तो जनरली कब क्या होता है कि जब हम आंसर राइटिंग सेशन से कंडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं. जिसमें मैं होता क्या था, आंसर राइटिंग सेशन में मैं क्वेश्चन दे देता था, स्टूडेंट्स अपने आंसर्स लिखते थे, और यूट्यूब पे हमने आंसर राइटिंग सेशन करे थे उसकी बात कर रहा हूं. तो आंसर लिखते थे, तो एट एंड ऑफ द डे एट 6 PM हम करते क्या थे,
मैं यूट्यूब पे आंसर डिस्कस करता था. अब होता क्या था, कभी कभार बच्चों के पॉइंट अलग होते थे, राइट? तो वो जनरली एक डाउट पूछते थे कि सर हम इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते. ये जनरली जब स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो उनका एक डाउट आता है, क्या ये वाले पॉइंट्स इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो इसका आंसर क्या, ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन अपना आंसर खुद डिफाइन करता है. हर एक क्वेश्चन खुद बताता है कि उसे आंसर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए कि हम देखें कि क्या क्वेश्चन मांग रहा है, क्या उसे चाहिए. तो हमें क्वेश्चन को इवेल्युएट करना आना चाहिए, राइट? तो एक एग्जांपल, तीन चार क्वेश्चंस के एग्जांपल्स ले रखे हैं, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चंस में आप कैसे पता कर सकते हैं क्वेश्चन को क्या चाहिए. देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने किया क्या है, देखो इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बट मैंने अभी क्वेश्चंस उठाए हैं जो हमारा रिसेंट 2022 का पेपर हुआ है, जो 2022 का यूपीएससी का कॉमर्स ऑप्शनल का पेपर, उधर से क्वेश्चंस उठाए हैं फॉर एन एग्जांपल ओनली. बट अगर आपके पेपर में चाहे वो जो मर्जी पेपर हो उस पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक, ठीक? देखो क्वेश्चन क्या आया था, डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो ये क्वेश्चन 8 बी है, हम सबको पता है पेपर 1 में से आया है, जो कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस का है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, राइट? अब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि भाई टॉपिक को डिस्कस करो, एक ब्रीफ डिस्कशन करनी है हमें वहां पे. और जब डिस्कशन कर रहे हैं तो फालतू की डिस्कशन नहीं करनी है, जो डिस्कशन करनी है वो हमें बेस्ड ऑन फैक्ट्स करनी है. फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक बताओ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. मैं फैक्ट्स दे सकता हूं कि हाँ भाई ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जिससे पता चल रहा है कि अगर बैंकिंग कमर्शियल बैंक इंक्रीज हो रहे हैं तो लेट सपोज सेविंग इंक्रीज हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ज्यादा लोन्स हो रहे हैं. तो ये सारे इंडिकेटर्स हमें मेंशन करने हैं, फैक्ट्स मेंशन करने हैं अपने आंसर में, राइट? अब अगर डिस्कस लिखा है तो हाँ माइट बी इस टॉपिक पे वर्क ना करें, बट हम उसके प्रोज और कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? समझ आ गया? तो क्वेश्चन खुद डिफाइन करता है. अब मैं बाकी क्वेश्चन पढ़ूंगा ना तो आपको समझ आएगा, अच्छा ठीक है अगर ये वाला पॉइंट हो तो ऐसे आंसर लिखना. फॉर एग्जाम्पल एक और दो चार एग्जाम्पल और ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन नंबर 2A है हमारे पेपर का, द चॉइस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन, नन इज गुड और बैड, क्रिटिकली इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, इवेल्युएट करो उसे, स्टेटमेंट को इवेल्युएट करो. तो जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, स्टूडेंट जनरली गलती क्या करते हैं, वो अपने पर्सनल ओपिनियंस देने शुरू कर देते हैं. बट इवेल्युएशन में हमें अपने पर्सनल ओपिनियंस बिल्कुल भी नहीं देने होते. हमें करना क्या होता है, हमें असेसमेंट करना होता है टर्म्स का. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में ही बात कर लूं तो हमें बताना है कि भाई जो सेंट्रलाइजेशन है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो किन किन सिचुएशन में एडवांटेजेस है, ठीक है? कौन सी सिचुएशन में सेंट्रलाइजेशन लगाना बेनिफिशियल है, कौन से में डिसेंट्रलाइजेशन लगाना, क्या क्या किस किस सिचुएशन में क्या क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बजाय डिसेंट्रलाइजेशन लगा देंगे, ठीक है? समझ आ गया? चले एक दो क्वेश्चन और. ये एक क्वेश्चन और आ गया, लेट्स सपोज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, कमेंट, डिस्कस द सजेशंस टू बी मेड टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिव. तो अच्छा ये दो पार्ट है क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट. अगर आपने बाकी मेरी रिमेनिंग वीडियोज भी देखी होंगी तो मैं समझाता हूं, अगर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो हमें दोनों पार्ट को इंपॉर्टेंट इक्वल देनी है, या फिर क्वेश्चन जितनी डिमांड कर रहा है इंपॉर्टेंस उतनी इंपॉर्टेंस देनी है. तो अगर हमारे दो पार्ट्स हैं तो हमें दोनों पार्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. अच्छा अभी मैं डिस्कस वाले की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर लिया. यहाँ पे देखो क्वेश्चन वन क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, कमेंट. जब आपको वर्ड कमेंट दिखे तो जनरली आप वहां पे अपने पर्सनल ओपिनियंस दे सकते हो. मैं जनरली की बात कर रहा हूं, फिर बोलूंगा क्वेश्चन का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो डिफाइन करेगा कि आपको आंसर कैसे करने, ठीक है?
तो जहां उन्होंने बोला कमेंट, तो हम वहां पे अपने पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं या फिर जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो दे सकते हैं। बट एक पॉइंट याद रख लेना, अपने फालतू के ओपिनियंस नहीं देने। अगर जो आपका ओपिनियन बना है ऑन द बेस्ड ऑफ फैक्ट्स रिपोर्ट्स, वो ही मेंशन करने हैं। मतलब आपको प्रॉपर एविडेंस देना है, प्रॉपर डाटा देना है कि हाँ भाई हमारे ओपिनियन से क्यों बने। राइट, समझ आ गई, चले आगे। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, अपने ओपिनियन देते वक्त, मैं रैंडम जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अपने ओपिनियन देते वक्त एक्सट्रीम व्यूज में बिल्कुल नहीं जाना, कट्टरवाद बिल्कुल नहीं बनना भाई। नहीं भाई, कलेक्टिव बार्गेनिंग तो बिल्कुल बेकार है इंडिया में, ऐसा होने चाहिए, ऐसा कुछ भी हमने नहीं लिखना। जनरली एप्लीकेबल ऑन ऑल क्वेश्चन, किसी भी जब हम अपने पर्सनल व्यूज दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो हमें नॉर्मल रखने अपने व्यूज को, किसी एक साइड बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर देना है, ठीक है। एक्सट्रीम व्यूज बिल्कुल भी नहीं लिखने। फिर आता है हमारे पास एक और एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फाइव रिस्क फेस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पेपर वन से क्वेश्चन था, जो पहले वाले थे पेपर टू से थे वो, अगर आप ढूंढने बैठो तो ये पेपर वन से है। अब इसमें जो टर्म यूज हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, ब्रीफली एक्सप्लेन। जब एक्सप्लेन हो तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में डिटेल्स मेंशन करनी होती है और ट्राई करना होता है कि हम आंसर कर पाए व्हाट, हाउ एंड व्हाई। जैसे अब इस क्वेश्चन में बात करूं तो जो फाइव रिस्क हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हैं, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन करने क्या है फाइव रिस्क और वो कैसे इंपैक्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। राइट, समझ आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये है डिस्टिंग्विश ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ट्रांसफर एंड प्रमोशन हैज डिमोशन एंड स्टेट द पर्पस ऑफ रिसॉर्टिंग टू ट्रांसफर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई उन्होंने पहले ही डिस्टिंग्विश मांगा है, मतलब डिफरेंस मांगा है, तो हमें डिफरेंस बताना है ट्रांसफर एंड प्रमोशन एंड डिमोशन के बीच में। अब जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो डिफरेंस हम लाइन्स में भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और बेटर क्या है, अगर हम कहीं टेबल क्रिएट कर सकते हैं तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल में और एडवांटेजेस हो जाएगा, एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, हमें करना ही चाहिए कि एक थर्ड कॉलम और बनाना चाहिए बेसिस का। स्टूडेंट्स बहुत बार मिस कर देते हैं ये वाला कॉलम कि किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये शो करेगा कि हाँ भाई अगर कितना आपको सब्जेक्ट का वो है। होता क्या, स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं भाई, एक जगह तो डिफाइन कर दिया, फिर दूसरी जगह कुछ और लिख रहा है, यहाँ पे एडवांटेजेस लिख रहा है, यहाँ डिसएडवांटेजेस लिख रहा है, वो गलती नहीं करनी, एक ही बेसिस पे हमें दोनों को कंपेयर करना है। वो ही होता है कि हम उन दोनों के बीच में कंपेयर कर पा रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। राइट, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट्स क्या उस आंसर में फिट होंगी नहीं होंगी, हमें क्वेश्चन को इवेल्युएट करके डिकोड करके समझ आएगा। अब सर ये हैबिट हमें कैसे आएगी, देखो जितनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही ज्यादा हम इंप्रूव होंगे, उतना ही ज्यादा हमें समझ आएगा कि आंसर को कैसे लिखना है। राइट, तो हमारा टास्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। आई नो इनिशियल फेजेस में आपके आंसर अलग जा रहे होंगे, गलत जा रहे होंगे, आपका स्कोर कम आ रहा होगा अगर आप चेक करवा रहे हो, इवेल्युएट करवा रहे हो तो, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपका आंसर इंप्रूव होगा। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। इफ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।